हेलो दोस्तों, स्वागत है सबके हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ब्लूटूथ सेटिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं गूगल फ़ोन में। फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लूटूथ सेटिंग यूज़ करना नहीं आता है और आप कोई भी डिवाइस को पेयर करना चाहते हो या कनेक्ट करना चाहते हो, तो कैसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे पेयर करके यूज़ कर सकते हैं, आज की वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों घंटी वाले आइकन को क्लिक कर लेना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लूटूथ सेटिंग कैसे यूज़ करते हैं गूगल फ़ोन में। सबसे पहले हमें सेटिंग को ऑन कर लेना है। सेटिंग ऑन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो, पहले तो नेटवर्क सेटिंग है जो कि अगर आपको यूज़ करनी है तो आप यहाँ से कनेक्ट करके कोई भी नेटवर्क, आप वाईफाई कनेक्ट करके यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो पहले तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और आप दोस्तों देख सकते हो कनेक्टेड डिवाइस दिखाएगा आपको ब्लूटूथ पेयरिंग का जो, और आपको कोई नया डिवाइस पेयर करना हो डायरेक्ट दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके उस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। अवेलेबल डिवाइस का जो नाम है दोस्तों यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपके पास जो भी डिवाइस है ब्लूटूथ का, तो आप उसको यहाँ से क्लिक करके पेयर कर सकते हो। अगर दोस्तों अगर इसके डिवाइस नेम है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो थोड़ी देर बाद एक पेयर का नोटिफिकेशन आएगा, आपको क्लिक कर देना है तो ये पेयर हो जाएगा। जो कि नहीं हो रहा क्योंकि दोस्तों मेरा जो स्पीकर है वो काफ़ी दूर रखा हुआ है। तो अभी के लिए मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, अगर आप करना चाहो तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करके पेयरिंग दिखाएगा, फिर एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको क्लिक कर देना है। अब देखो दोस्तों ये आ चुका है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो कि है पेयर हो जाएगा ऐसे ही। तो ऐसे हम दोस्तों किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को पेयर करके यूज़ कर सकते हैं अपने गूगल फ़ोन में, और हम उसके साथ गाने वगैरह भी सुन सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो जो सेव डिवाइस है वो आपको यहाँ शो करेगा, बट अभी नहीं आ रहा है। मैं दोबारा इसको क्लिक कर लेता हूँ। और दोस्तों अगर आपका डिवाइस नेम है ब्लूटूथ का, जो डिवाइस नेम है आप इसको चेंज करना चाहते हो अपने नाम के जरिए, किसी और के नाम के जरिए, तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो। जिसके अगर मैं इसको ले लेता हूँ गूगल मोबाइल, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तो मैं गूगल मोबाइल नेटवर्क से इसको सेव कर लेता हूँ, रीनेम कर देता हूँ, तो जो कि ब्लूटूथ डिवाइस जो मेरा रीनेम भी हो जाएगा। आप देख सकते हो जो मेरा ब्लूटूथ डिवाइस नेम है वो रीनेम हो चुका है, गूगल मोबाइल हो चुका है, पहले गूगल था। तो आप ऐसे ब्लूटूथ डिवाइस को रीनेम भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो ऐसे दोस्तों आप अपने ब्लूटूथ सेटिंग को यूज़ कर सकते हो गूगल फ़ोन में, गूगल फ़ोन की सेटिंग पे जाके। चलो दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो अपने गूगल फ़ोन से लेके या पीसी लैपटॉप से लेके, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा। और जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार गाइस।